और आज दिनांक 24/6/2021 को अभी शाम को अभी पता चल रहा है, बहुत दुखद खबर पता चली है कि जो हमारे आसपास का जो जिसको हम स्विमिंग पूल मानते थे अपना, और जिसको हम खरेटी का खाव, भगोली पोखरवा के रास्ते में जो पड़ता है हमारा, जो खरेटी की खाव नदी आई थी बहुत तेज़, तो उसमें लौंडे मौंडे जो थे गांव के युवक नहा रहे थे, उसमें से अभी अभी पता चला है कि एक युवक डूब चुका है और उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। आगे जो भी पता चलता है उसको बताते हैं। काफ़ी भीड़ वहाँ पे जमा है, तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि, और मैं भी ये चीज़ अवॉइड करूँगा आपसे कि जब बाढ़ बाढ़ आती है तो ऐसे वीडियो वीडियो बनाने के लिए, नहाने के लिए इस नदी में ना कूदें, क्योंकि देखो एक नवयुवक जो बेचारा पाल पोस के इसके माँ बाबू ने इतना बड़ा किया, और आज वो नहाने के चक्कर में खाली इतना नुकसान कर बैठा है अपनी फैमिली का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, मतलब कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करो, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो, जब ऐसी नदी का फ्लो कम हो जाता है तब नहा लिया करो। मतलब कि वैसे सही बोलूँ तो मैं खुद, मेरे को तैरना आता नहीं तो मैं खुद तो नहाता नहीं, बस मैं वीडियो बनाने के लिए ज़रूर जाता हूँ। अब से मैं ये भी अवॉइड करूँगा कि ऐसे जब डिजास्टर हो रहे होते हैं और नदी अपना विकराल रूप लेके बैठी होती है, और अनलेस अनटिल तुम नहाने जा भी रहे हो तो मतलब किनारे पे नहाओ, ऐसे बीच में मत जाओ, क्योंकि जब मैं देख के आया था वहाँ पे इतना खतरनाक हुआ हुआ था ना, मतलब कि बीच में तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कितना गहरा है करके, क्योंकि पानी अभी व्हाइट हुआ है वहाँ पे जो ऊपर से फ्लो आ रहा है, और अभी शीर का पानी है ना तो वो बहुत सफ़ेद हुआ पड़ा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है उसमें पानी पता ही नहीं चल रहा, और कहाँ कितना गहरा है कुछ पता नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से क्या हुआ है उसमें लोग जा तो रहे हैं। अब जिसको तैरना आता है वो तो निकल जाएगा, जिसको अगर हल्के से कुछ हो गया, पानी मुंह में चले गया, तो वो नीचे ही जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा। और देखो अभी भी मतलब 4-5 घंटे तो कम से कम हो गए होंगे उसको डूबे हुए, और अभी तक पता नहीं चला, और भीड़ इतनी जमा हो चुकी है वहाँ पे, फोटोज़ आई हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ बन के आ रही हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ जमा है, और प्रशासन भी आ चुका है, पुलिस वुलिस भी आए हुए हैं वहाँ पे, तो अभी तक पता चल नहीं पाया है। और बताया जा रहा है कि, अब ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा कि वो कहाँ का है अभी, पर सोर्सेज के हवाले से खबर पता चली है कि बगथो जो हमारा कुलसीब के साइड एक गाँव है वहाँ से वो लौंडा आया हुआ है। मतलब कि आप जान सकते हो कितना दूर है यहाँ से, हमारे वहाँ से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी तो कम से कम होगी वहाँ जाने तक के, और वहाँ से बंदे यहाँ नहाने के लिए आए हैं। द्वाराहाट रानीखेत से भी यहाँ पे जो खरेटी का खाव है ना, मतलब बहुत फेमस है ये, तो इसके लिए लोग नहाने आते हैं। पर प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया ऐसे ना जाएं, बारिश देखें और नदी का फ्लो देखें, तुमको तैरना आता है या ना आता है तब देखें। और देखो अभी सामने हमको देख पा रहे हैं, हम कैमरे में तो नहीं दिखेगा, काफ़ी भीड़ जमा है वहाँ पे, और गाड़ियाँ और रोड मतलब पूरी भरी हुई है। अभी फोटोज़ मैंने खुद ही देखी थी, बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा जखीरा लगा हुआ है ना लोगों का, और अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। भाई लोगों रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे नदियों में ना जाएं, और जैसे जो जो उसमें आप लोग स्टंट दिखाने का ट्राई करते हो ना वहाँ पे ऊपर से, मैंने कई बार देखा है ऊपर से इतने ऊपर से हाइट से जंप लेते हैं वहाँ पे, ये चीज़ें भी ना करें यार। अपने मम्मी पापा अपने फैमिली का ध्यान रखें, कैसे उनके ऊपर बीतेगी इस इंसिडेंस के बाद। अब देख लो ना, बच्चा गया उसके बाद क्या ही हो सकता है, बताओ, चाह के भी ला सकते हो उसे वापस, बस तुम्हारी 2 मिनट के शौक के लिए, 2 मिनट के इंजॉयमेंट के लिए लाइफ गंवा दी तुमने। तो भैया रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें, ठीक है, और ध्यान रखें बारिश के टाइम पे बिल्कुल ना जाएं वहाँ पे, और बारिश के टाइम पे क्या अवॉइड करें, और नहाना ही है तो बिल्कुल खुले जगह पे नहाएं। तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, और मैं खुद फॉलो करूँगा, मैं आपसे जब से नदी आएगी मैं वहाँ पर वीडियो बनाने खुद ही नहीं जाऊँगा। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, और जैसे जैसे अपडेट पता चलती है तो बहुत जल्द आपके बीच आते हैं।